हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों। मैं आपको आज बताऊंगा कि आप कैसे चेक करें, आप अपने मोबाइल से, या कैसे पता करें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्रामीण क्षेत्र में किसको किसको टॉयलेट इशू किया जाने वाला है, या जो स्वच्छ भारत मिशन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक घर में लैट्रिन टॉयलेट बन निर्माण का कार्य होने वाला है। तो आप कैसे चेक करें कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं, आपको टॉयलेट इशू होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएं एंड टाइप करें स्वच्छ भारत मिशन, या शॉर्टकट में लिख दें SBM एंड इसे सर्च कर दें। जैसे ही आप SBM टाइप करके सर्च करते हैं, आपके पास एक वेब पेज खुल के आएगा और इसमें आपको मैं बताऊंगा क्या सर्च करना है। जो यहाँ सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, जो यहाँ लिखा हुआ है sbm.gov.in, इसी पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। ध्यान से ज़रूर देख लें आप। अगर कठिनाइयाँ होती हैं आपको खोलने में, तो आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप भी अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। तो मैं स्वच्छ भारत मिशन को क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं स्वच्छ भारत मिशन को क्लिक करूंगा दोस्तों, या मैं डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर लेता हूं, अब यहाँ पे एक नया वेब पेज खुल के सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आप यहाँ पे आपको कौन से ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है A03 जो लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन टारगेट VS अचीवमेंट, इस वाले ऑप्शन को दोस्तों क्लिक करना है। ध्यान से आप देख लें, मैं इस पर 2-3 सर्कल बना देता हूं जिससे आपको आसानी हो। इस वाले ऑप्शन को दोस्तों क्लिक करना है। आप जाके इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया वेब पेज खुल जाएगा दोस्तों। अब मैं बताऊँगा कि यहाँ पर आपको क्या एंटर करना है। देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने स्टेट को यहां पे इंटर कर लूँगा, उत्तर प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहां पे अपने आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस जनपद के निवासी हैं, आपको यहां पे अपने जनपद का इंटर करना है। तो मैं बलिया का निवासी हूँ, तो मैं बलिया को इंटर कर लूँगा दोस्तों, बलिया एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ब्लॉक का, आपका ब्लॉक कौन सा है। तो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉक को एंटर कर लूँगा, मेरा ब्लॉक है सीयर, जो यहाँ नीचे की साइड में है, जो आप देख सकते हैं सीयर यहाँ पे मेरा ब्लॉक है। देखिए मेरा ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके मैं अपने ब्लॉक को चूज़ कर लूँगा। एंड लास्ट में यहाँ पे देखो व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। व्यू रिपोर्ट के जब मैं ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो मेरे सामने एक और नया वेब पेज खुल के देखिए दोस्तों सामने आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपको GP नेम, मतलब ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है, आप किस ग्राम पंचायत के दायरे में आते हैं, आपको अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों मेरी ग्राम पंचायत रछौली है, तो मैं यहाँ पे बारी बारी से सभी नियमों को पढ़ते हुए नीचे आ रहा हूँ। तो जो मेरी ग्राम पंचायत है, मुझे दिख जाएगी कुछ देर के बाद, रछौली, आप देख सकते हैं यहाँ पे रछौली 69 नंबर ऑप्शन पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रछौली है, ये मेरी ग्राम पंचायत है, मुझे इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे क्या क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रछौली को क्लिक नहीं करना है, जो रछौली के सामने 847 लिखा हुआ है, ध्यान से देख लें, इसको क्लिक करना है। जो 847 यहाँ पे दिखाई दे रहा है रछौली के जस्ट सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस 847 को क्लिक करना है। अदरवाइज अगर रछौली को क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं हो पाएगा दोस्तों। जो ब्लू इंक के थ्रू 847 लिखा हुआ है, एक बार और ध्यान से आप देख लें, इसी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आप इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, तो आपके सामने उत्तर प्रदेश का देखिए वेब पेज खुल चुका है।
इसमें अब मैं बताऊंगा कि किसका किसका नेम है जिसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट इशू होने वाला है बबनौली गांव में। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहां पे जो या सीरियल नंबर दिया हुआ है या सीरियल नंबर है, यहां पे जीपी नेम, जीपी नेम मतलब होता है दोस्तों ग्राम पंचायत का नेम है। यहां पे फिर विलेज नेम दिया हुआ है, विलेज नेम यानी ग्रामीण का नाम, गांव का नाम। फिर उसके बाद दिया हुआ है फैमिली आईडी दी हुई है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी गांवों को एक आईडी दी हुई है, फैमिली आईडी दी गई हुई है, तो फैमिली आईडी का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फैमिली हेड का नाम, जो फैमिली का मुखिया है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फादर हस्बैंड नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, जेंडर दिया हुआ है, उस व्यक्ति का जेंडर क्या है। अब मैं आपको देखने का तरीका बताता हूँ कैसे चेक करना है आपको। मैं पहले सीरियल नंबर फर्स्ट वाले व्यक्ति का मैं बताऊंगा, इसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट इशू होगा या नहीं। तो फर्स्ट में बंदा जो है, सीरियल नंबर फर्स्ट का जो बंदा है वो बबनौली का निवासी है, एंड इनके इनका नाम है अभिषेक कुमार पांडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं बताऊँगा इनको टॉयलेट इशू होगा या नहीं। दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट में जो ऑप्शन है यहाँ लिखा हुआ है, इफ हैविंग टॉयलेट बिफोर सर्वे, यहाँ पे देखिए नो का ऑप्शन है। जब सर्वे किया गया तो इनके पास टॉयलेट इनके घर पे नहीं पाया गया है, तो फिर कवर करके इनको सर्वे के थ्रू इनको टॉयलेट इशू किया गया। दोस्तों आप देख सकते हैं यस का ऑप्शन है यहाँ पे। अब ऐसे ही आप दूसरे बंदों का भी यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर फर्स्ट में जो अभिषेक कुमार पांडे थे इनका है, और आप नीचे ऐसे ही आके देख सकते हैं सारे सीरियल नंबर वाइज बंदों का। जैसे मान लीजिए 6 नंबर पे हैं अवनीश पांडे, फादर नेम यहाँ पे दिया हुआ है इनके। जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब सर्वे हुआ तो इनके पास टॉयलेट नहीं था, फिर सर्वे करने के बाद इनको टॉयलेट इशू किया गया है। दोस्तों इनको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप भी अपना नाम अपने ग्रामीण क्षेत्र का चेक कर सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे सभी सीरियल वाइज सारे लोगों का नाम दिया हुआ है। दोस्तों जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आप सबका नाम देख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। ऐसे देखिए आगे भी पेज हैं, अगर फर्स्ट पेज में आपका नाम नहीं मिलता है आपके ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप दूसरे पेज को यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, और फिर आप दूसरे पेज में भी दोस्तों ऐसे ही आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, एंड कमेंट में अपने विचारों को जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।